न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के जिला अलीराजपुर में जोवट बोरी थाने में पदस्थ हैंड कांस्टेबल की बदमाशों ने की हत्या। उसके बाद उनके शव को उनके गांव विजयपुर लाया गया, जहां पर उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि जोवट बोरी रोड पर बुधवार शाम हैंड कांस्टेबल की बदमाशों ने निर्गम हत्या कर दी। ये घटना उस वक्त की है जब हैंड कांस्टेबल बोरी से जोवट की ओर जा रहे थे। रास्ते में लोगों के साथ मारपीट कर रहे बदमाशों ने उन्हें भी रोका और बदमाशों ने आरक्षक के साथ भी मारपीट की और मौके पर ही पत्थरों से कुचलकर मार दिया। ये खबर जैसे ही नगर में फैली तो लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गुरुवार को कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। तो पोस्टमार्टम के बाद आरक्षक सहित अरविंद सिंह के सब को गुना के विजयपुर थाना लाया गया, जहां पर आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वे अपने पीछे दो बच्चियों और एक बेटे को छोड़ गए हैं। अरविंद की बेटी रो रो कर कह रही थी कि जोवट के लोग अच्छे नहीं है, उन्होंने पापा को पत्थरों से मार दिया। वहीं अरविंद के भाई का कहना है कि एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। अरे बस 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 सब में पहले मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि सब में कड़ी से कड़ी उनको भी सजा मौत मिलनी चाहिए। पकड़े हुए उनको क्या, अगर मेरे हाथ में अगर बंदूक होती तो मैं सब में पहले उन्हीं को मारता। वो पकड़े हुए क्या? अभी अभी कोई ये नहीं है उनका प्रशासन द्वारा, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक उनके प्रति। ये सब प्लान है उनका, थाना वालों ने प्लान बनाया है। ये साजिश के तेज किया है प्लान थाना वालों ने। भैया की ड्यूटी कभी नहीं लगती थी, उनको पहुंचाया गया। भैया ऑफिस का काम सिर्फ देखते थे। हाँ, सीएम थे वो, भैया एसडीएम थे। भैया कभी नहीं जाते थे, उनको उसके थ्रू पहुंचाया गया है। साजिश बना के पहुंचाया गया है थाने वालों ने, दूरी थाना के। ये क्या है, वहाँ पे जाके पीआई के साथ सबसे ऊपर के मुख्य आदमी थे, उस चक्कर में इनको ऊपर पुलिस वालों की जलन थी। साजिश बनाई थी इन्होंने मेरे भैया का प्रति। आप उनके बच्चे कितने हैं? उनके तीन बच्चे हैं। तो बट सबसे बुरी जगह है, वहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सारे के सारे आदिवासी मुस्लिम भी बड़े पड़े, पत्थर भी कहता पापा के ऊपर। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम दिनेश शुक्ला को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की गई है कि 25 अक्टूबर 2016 को प्रभारी तहसीलदार इकबाल खान पटवारी, कालूराम बंजार एवं लीडर बलवीर गुर्जर ने मिलकर बिना पटवारी रिपोर्ट देखे और दूसरे पक्ष को छुने बिना ही एक पक्षीय फैसला कर दिया था। वह हिंदू जागरण मंच के दीपक रजक ने बताया कि इस मामले में दूसरा पक्ष, वे अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए थे। इसी बीच बिना दूसरे पक्ष को सुने बिना पटवारी रिपोर्ट देखे ही प्रभारी तहसीलदार इकबाल खान ने एक पक्षीय फैसला सुना दिया। इसी को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है और उसमें मांग की गई है कि उस पर जांच की जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ जांचोपरांत मामला दर्ज किया जाए। अरे आप पकड़ लो एक, अरे आपके पास ही रख लो, आपके पास ही रख लो। ऐसा कर ले, ऐसा Thank you.
एक प्रकरण तहसील में चल रहा है जिसमें अंगिता लामा और फहीम बिरू उसमें पटवारी की रिपोर्ट तलब किए जाए बगैर और हमें सुने बगैर ही संगीता लामा को सुने बगैर सीमांकन पटांकन किए बनाई एक पक्षी आदेश कर दिया गया है। इसमें फहीम खान अभी कब्जा लेने के लिए तत्पर है। इसके विरोध में हम यथावत स्थिति के लिए SDM साहब को आवेदन देने आए थे कि हमें सुना जाए और उसके बाद ही अभी उन्होंने क्या आश्वासन दिया अभी वो दिखवा रहे हैं फाइल को देखने के बाद इसमें पता चलेगा। तो इसमें हमने तीन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आवेदन दिया है जिसमें तत्कालीन जो तहसीलदार साहब थे और पटवारी और गुर्जर बाबू तीन के खिलाफ हमने आवेदन दिया है। उत्कर्ष विद्यालय में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इन परीक्षाओं में सभी परीक्षार्थी समय पर पहुंच रहे हैं। वहीं फिरवाड़ी प्रचार ने बताया कि इस परीक्षा केंद्र पर 3 परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न कराए जा रहे हैं जिसमें पहले कक्षा 9 और 10 इसके बाद कक्षा 11 और 12वीं की परीक्षाएं हो रही है। वहीं इस परीक्षा केंद्र पर राज्य ओपन की परीक्षाएं भी समान तरीके संचालित की जा रहे हैं। मैं प्रभारी प्राचार्य अजय निगरीकर उत्कृष्ट विद्यालय गुना से आज दिनांक 8 तारीख से जो है अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। ये परीक्षाएं 2 पालियों में संपन्न होना है। कक्षा 9 और 10 की जो परीक्षा है ये 11:15 से 2:15 के बीच संपन्न होगी। कक्षा 11 और 12 की जो परीक्षा है ये 2:30 से 5:30 के बीच में संपन्न होना है। इस परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली में राज्योपन की परीक्षा भी संचालित है और ये परीक्षा सुबह 8 से 11 बजे तक संचालित होगी। इस प्रकार से इस केंद्र पर तीनों पाली में परीक्षाएं संपन्न होंगी। ये परीक्षा 8 तारीख से प्रारंभ हुई है और 22 तारीख तक संपन्न होना है। से मिलने पहुंचे समाज से भी बता दें ADM नियाज अहमद खान का स्थानांतरण गुना से भोपाल हो गया है। इसी सिलसिले में उन्हें बधाई देने गुना के समाज से भी पहुंचे जहां नियाज खान को पुष्पमाला शॉल एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया। अभी सुबह सुबह खबर आई कि हमारे यहाँ के जो ADM साहब हैं नियाज अहमद जी उनका ट्रांसफ़र राज्य सरकार ने गुना से कर दिया है। नियाज अहमद खान साहब को ये गुना शहर न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में जानता था और इस दौरान बहुत सारे ऐसे काम उनने अपने कार्यकाल में यहाँ गुना में किए जो मील का पत्थर हुए। बहुत बड़े बड़े घोटाले और भ्रष्टाचारों को पकड़ने का श्रेय खान साहब को जाता है। ऐसे में उनका यहाँ से जाने का फरमान हम लोगों के गुनावासियों के गुना के की सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। तो ऐसे में हम गुना शहर की भावनाओं को व्यक्त करने आज उन्हें ईमान की प्रतिमूर्ति के नाम से अलंकृत करते हुए एक नागरिक सम्मान यहाँ पर हमने किया है और सभी लोगों ने बड़े भीनी आँखों से नम आँखों के साथ उनके इस कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें आज गुना से विदा किया है। जारी है ट्रैफिक पुलिस की हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई। बता दें कि आज की ये कार्रवाई गायत्री मंदिर के पास कंट्रोल रूम के सामने जारी थी जहां पर बिना हेलमेट सवारों के साथ फोन पर बात करके गाड़ी चलाने वालों एवं बिना लाइसेंस वालों के चालान काटे गए। वहीं यहां एक दृश्य देखने को मिला जहां एक बाइक सवार 2 बाइक चला रहा था उसको एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाथ पकड़कर
खींच रहा था। समझ से परे है कि यदि वह मोटरसाइकिल चालक गिर जाता तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते थे, पर बिना इन परिणामों का सोचे ट्रैफिक पुलिसकर्मी सिर्फ वाहन चालकों को पकड़ते ही नजर आए। इतना हो गया, देखो ना कागज का टुकड़ा लाए, वो कह रहा है हमने की रसीद दिखाओ, तो रसीद दे वो कितने पैसे दे रहे थे, 250 नहीं है 250, तो फिर नहीं है तो फिर नहीं ले रहे पैसे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं ले रहा है। हेलमेट ना लगाने वालों की विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और इसके अलावा भी अन्य, हाँ इसके अलावा यदि कोई ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ता है, हेलमेट नहीं लगाता है, कोई भी ओवरलोड बाहर निकलता है, फोन पर बात करते हुए निकलते हैं, कोई भी ट्रैफिक रूल का वायोलेशन करता है उसके लिए ये कार्रवाई चल रही है। कभी तक अभी तक मैडम कितने चालान, अभी तक लगभग 10 से 12 चालान हो गए हैं। कितने ये कार्रवाई का रोज रूटीन चलेगी? हाँ ये डेली चलती है, चालानी कार्रवाई डेली चल रही है और इसके अलावा भी हम लोग ये तो हेलमेट वाली चालानी कार्रवाई के साथ सारी कार्रवाई होती है, इसके अलावा भी हम लोग घूम घूम के ट्रैफिक मैनेजमेंट करते रहते हैं। के पास से होती हुई नाना खेड़ी मंडी जाने वाली रोड के आज किनारों को भरकर एक समान किया गया। बता दें कि इस रोड पर रोड के दो किनारे हैं, वे काफी ऊंचे थे जिनकी वजह से कई वाहन चालक वहां गिर भी चुके हैं, इसी के चलते आज किनारों को भरकर बराबर करने का काम शुरू किया गया। चलो मस्जिदों के खिलाफ गलत बयानी करने को लेकर आज मुस्लिम समुदाय एवं फिक्रे मिल्लत कमेटी के लोग सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने एक आवेदन दिया। फिक्रे मिल्लत के जिला अध्यक्ष मोहसिन खान ने बताया कि किसी व्यक्ति ने आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है, जिसके खिलाफ जांच करने एवं मामला दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। वहीं उन्होंने ये भी बताया यदि 3 दिन के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कल रात में एक ऋषिकेश नामक व्यक्ति ने मस्जिदों को बियर बार बनाने की बात कही थी, जो कि बिल्कुल असहनीय है और समाज में काफ़ी रोष है उसको लेकर, तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए प्रशासन से, बस यही गुजारिश है। कुल कानूनी तरीके से हम उसके लिए आवेदन देने के लिए अभी कोतवाली में आए, तो क्या बोला है अभी TI साहब ने? बोला है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी चूँकि इसको साइबर सेल में दिया जाएगा और हम बोलते हैं कि 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर SP ऑफिस का घेराव किया जाए। अभी ये फिक्रे मिल्लत है जो मुस्लिम समाज का एक युवा संगठन है, इनके द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है कि इन्होंने एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत करने संबंधी, तो इसके संबंध में आवेदन पत्र को हम विधिक राय हेतु भेज रहे हैं और जैसे भी राय प्राप्त होगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। राधोगढ़ में आगामी समय में होने जा रहे नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर एक बैठक का आयोजन किया गया, इसमें अपर कलेक्टर भूपेंद्र गोयल ने सभी प्रशिक्षकों को बताया कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान चुनाव अवधि में रखना है, साथ ही इन लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए।
मतलब यदि आप राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी जो सात राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो उसमें पूर्व से डली हुई है, चुनाव प्रदर्शित नहीं होगा। समीक्षा के दिन आपको रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। आप फिर बता सकते हैं कि हम ये चुनाव चिन्ह लेने के इच्छुक हैं। अगर वो एडिटर जाति का नाम डालना होगा और अनारक्षित यदि कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ये लागू नहीं होता है। संबंधित जिले का नाम चयन करेंगे, निक्षेप राशि दर्ज करें, मतलब आपने जो निक्षेप राशि की रसीद कटवाई है, मान लीजिए 1000 की कटवाई है तो 1000 2000 की कटवाई है। विगत दिनों आपसी रंजीश के चलते मारा गया सजादी पार्टी की मां एवं पार्टी समुदाय की महिलाओं के सहित आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। वहीं मृतक पार्टी की मां का कहना है कि उसका बेटा उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर इलाज कराने ले जा रहा था। वहीं बीच रास्ते में अन्य पार्टी समुदाय के लोगों ने उसे रोक कर उसको गोली मार दी, जिससे वे मौके पर ही मारा गया। वहीं का ये भी आरोप है कि इस मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के चलते आज पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल से मिलने पहुंचे। इनमें बात गरीब बोला कि कोई सुनवाई नहीं है, नहीं करी। ना तो जाइनी पार्टी मत ना इनी पार्टी मन रस्ता साता न मारे ला रस्ता बजाता न बहुत जरा है ना तो भाई तो बिता में ना था बहुत जरा है बोलते नहीं है क्या नाम था उसका? इसी का लड़का पकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। खेजड़ा से है, विश्वानगर से। क्या है बात, क्या मामला है? मेरे को सर डॉक्टरी में लेके जा रहे थे तो हमको रास्ते में रोक लिया। हम किसी की लड़ाई में नहीं है, किसी की पार्टी में नहीं है। मेरा मकान अलग है, एक मेरा तो जमीन पे है मेरा मकान। मेरा इलाज करवाने को लड़का और मेरी बहू जा रही थी, रास्ते में हमको रोक लिया। किसने रोक लिया? राम गोपाल, युवराज, रोकी, निरोका, टोमी, हमको रास्ते में रोक लिया। और मेरे को शिव कुमार, श्रीबल्लामपुर पकड़ के मेरे को, मेरी बहू को एक बगल ले गए, लड़का को एक बगल ले जाके गोली चलाई उनके आगे पीछे सब खड़ा के। फिर लाश भी नहीं लेने लाने दे रहे थे, सत्यनारायण छीन के ले जा रहा था। फिर मैं बहुत जोर से रोई, जब आए मेरे लड़के के पास वो मेरे तो कोई भी नहीं है, दो गुंगे मेरे पास तो कोई भी नहीं है। आरंभ में चल रही श्री भागवत कथा के अंतिम दिन श्रोताओं को बताया गया कि कलयुग में संसार में सुधार के लिए धार्मिक ग्रंथों ही सर्वोच्च माध्यम है। वहीं आज के परिवेश में व्यक्ति अपने कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि जिसके पास समय नहीं है परिवार के साथ चर्चा करने के लिए, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए समय नहीं है। और शास्त्री जी ने कहा कि मित्रों के लिए अपने प्राण निछावर कर देते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। ताकि दौरान समाज में व्याप्त कुरीतियां एवं बुराइयों पर भी प्रभाव डालती हुई समस्या है कि दहेज प्रथा, बालिका, भ्रूण हत्या हमारे समाज हमारे देश के लिए बहुत घातक सिद्ध साबित होगा। इतना भरोसा है अपने पति पर तो बताओ माता जी, आपको भोलेनाथ ने कभी बताया कि भोलेनाथ अपने गले में जो नरमुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंडे हैं? पार्वती जी कहने लगे, नारद जी ये तो मुझे कभी नहीं बताया। तो नारद जी कहते हैं फिर क्या खाक प्रेम करते हैं तुमसे,
फिर क्या प्रेम करते हैं तुम्हें जब यही नहीं बताया। आरुण से हमारे से सहयोगी चंद्र चगवंशी की रिपोर्ट। शासकीय कन्या माध्यमिक स्कूल में इस वर्ष भी प्रतिभा पर्व दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा नृत्य एवं कविता पाठ किया गया। सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पनवाड़ी हाट के स्कूल में बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रतिभा पर्व। आरुण से हमारे से सहयोगी चंद्र चगवंशी की रिपोर्ट। बजरंग दल के तत्वावधान में सूर्य दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं एक जुलूस भी नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकाला गया। इस कार्यक्रम में जिला संयोजक विक्की शर्मा, प्रखंड मंत्री चंद्रेश रघुवंशी, प्रखंड संयोजक राजू ओझा, नगर मंत्री योगेश रघुवंशी, उमराव कुशवाहा, नितेश पटवा आदि उपस्थित थे। इसके बाद 38वें वंशज उनके ब्रह्मल्य सद थे। जब चक्रव्यूह बनाया गया था महाभारत काल के समय, अंतिम शासक जो राजा कुश के जो लड़के थे उनके 38वें वंशज थे ब्रह्मल्य सद। चक्रव्यूह बनाते वक्त वो कौरवों की साइड से युद्ध किया था। धर्म ध्वज रक्षक कार्यकर्ता बंधु, हम सब रामायण देखते हैं और रामलीला भी देखते हैं और रामायण भी पढ़ते हैं। आज से 9 लाख वर्ष पहले भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ था अयोध्या के अंदर। उस समय आरुण से हमारे से सहयोगी चंद्र चगवंशी की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद आरुण ने शहर के मुख्य मार्गों से हटाया अतिक्रमण। बता दें कि कई समय से अतिक्रमण हटाने की मांग चली आ रही थी, क्योंकि सड़क के दोनों ओर होते अतिक्रमण की सड़क छोटी हो गई थी और आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वहीं नगर पालिका CMO एवं पुलिस प्रशासन के सामने इस अतिक्रमण को हटाया गया। हमारे सहयोगी चंद्र चगवंशी की रिपोर्ट। डिजिटल न्यूज में आज बस इतना ही। कल हम हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।